डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल एलिवेटेड क्लासेस में एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ स्वागत है। आज हम कक्षा 12 यूपी बोर्ड से सभी चैप्टर वाइज चैप्टर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आए हैं, तो देख लेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। और पूरे हर चैप्टर से हमने आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लिए हैं, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो नहीं है, तो एग्जाम को देखते हुए पास में तो हमने क्या किया है, एक जो महत्वपूर्ण जो चैप्टर हमें मिले उन चैप्टर से हमने उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को उठाया है। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है उन बच्चों के लिए जो अभी तक उन्होंने बायोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ा है, तो उनका हम चैप्टर वाइज चैप्टर से पूरा रिवीजन कराते हुए चलेंगे। तो देखते हैं आज चैप्टर रिवीजन है आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है मांसल फल। तो मांसल फल क्या होता है, तो ऐसे फल क्या होता है, ऐसे फल होते हैं जो कैसे होते हैं, गूदेदार होते हैं। तो हमारे साथ साथ में आप भी अपना रिवीजन करते चलेंगे, तो आपका पूरा रिवीजन हम कराएंगे। ऑल टू जितने भी चैप्टर हैं आपके, उन चैप्टरों से हमने सभी क्वेश्चनों को लिया है। तो पहला है मांसल फल। तो क्या होता है कि मांसल फल क्या है, या आता है मांसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मांसल फल ऐसे फल होते हैं जो सरस और गूदेदार होते हैं। कैसे होते हैं, गूदेदार होते हैं, उनको क्या कहते हैं, मांसल फल। तो ये याद रखना है कि ऐसे फल जो गूदेदार होते हैं, सरस होते हैं, रसीले होते हैं, उनको हम मांसल फल कहते हैं। दूसरा है आपका आभासी फल। तो आभासी फल का एक दूसरा नाम क्या होता है, झूठा फल। क्या होता है, फाल्स फ्रूट। फाल्स फ्रूट होता है यानी आभासी फल। अब सत्य फल क्या होता है वो भी बताते चलते हैं। तो सत्य फल ऐसा फल होता है बेटा जिसका निषेचन होता है अंडाशय से, उसके बाद फल बनता है, तो वो कहलाता है सत्य फल। अब आभासी फल क्या होता है, ऐसे फल जिनका अंडाशय के बिना और किसी भाग से निषेचन हो जाता है, उसको आभासी फल कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से हम रिपीट किए दे रहे हैं कि ऐसे फल जिनका बिना अंडाशय के निषेचन होता है उसको आभासी फल कहते हैं। तो कौन कौन से आभासी फल होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो एक तो आपका हो जाता है सेब। क्या होता है, सेब हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, अनन्नास हो जाएगा। अनन्नास हो जाएगा, ये आपके ऐसे फल होते हैं जिनको आभासी फल कहते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका अंड जनन। खूब रिपीट होता है आपका अंड जनन और शुक्राणु जनन। तो अंड जनन क्या होता है, अंड जनन यानी अंड से मतलब होता है अंडाणु, और जनन में जनन करना यानी वृद्धि हो, तो क्या हो जाएगा, अंड जनन। तो हम इसकी परिभाषा रिपीट कर रहे हैं कि अंड जनन वह प्रक्रिया है जिसमें अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होता है। किससे होता है, अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होता है, वो कहलाता है अंड जनन। किसमें होता है, मादाओं में होता है, फीमेल में होता है। जो अंडाणु बनते हैं या जो अंडे बनते हैं उन्हीं क्रिया को हम अंड जनन कहते हैं। दूसरी चीज देखते हैं शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन क्या होता है, तो शुक्राणु जनन ऐसा जनन जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी जनन एपिथेलियम कुछ कोशिकाएं होती हैं उनसे शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो शुक्राणुओं से निर्माण ही होना क्या कहलाता है, शुक्राणु जनन। तो आप समझ गए होंगे। साथ साथ में अब इसको देखते हैं आर्तव चक्र। इसके बेटा कई नाम से चेंज होके आता है, तो हम आपको हर नाम बताएंगे। तो कौन सा होगा, एक आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। एक आपका आर्तव चक्र है और एक आपका आता है मासिक धर्म, यानी मासिक धर्म। तो ये क्या होता है, ये मादाओं में होता है। कब होता है, एक चक्र होता है किसका, अंडाणुओं के बनने का। तो मादाओं में क्या होता है, 28 दिन का एक चक्र होता है, और उस 28 दिन में अंडाणुओं के बनने की एक प्रोसेस होती है, उसको हम आर्तव चक्र कहते हैं। ये कब होता है वो भी देख लीजिए, ये होता है 12 से 13 साल से शुरू होता है, और लगभग क्या होता है, 45 से 50 या 55 वर्ष तक ये चलती है प्रोसेस। कौन सी, आर्तव चक्र, मासिक चक्र,
मेंस्ट्रुअल साइकिल, रक्तस्राव, ये सब आपका इसी से ही नाम चेंज होके आते रहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा यानी, और ये कब चलता है, 12 से 13 साल से शुरू होता है और 45 से 55 साल तक स्त्रियों में होता है, उसके बाद ये समाप्त हो जाता है। इसमें क्या होता है, अंडाणुओं का बनना होता है यानी अंडे बनते हैं, वो भी कब, 28 डेज में इनका चक्र चलता रहता है। इसमें दो हार्मोन्स होते हैं जो इसका नियमन करते हैं। खूब क्वेश्चन आता है कि आर्तव चक्र को नियमन करने वाले दो हार्मोन्स के नाम, तो देख लेते हैं दो हार्मोन्स कौन होते हैं। एक होता है एल और एच, दूसरा होता है एफ एस एल। इनकी भी शॉर्ट फॉर्म जैसे आता है तो एक एक नंबर में आता है कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको बताते हैं। एल एच हार्मोन का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा है एफ एस एच, इसको कहेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो कंफर्म हो गया होगा आर्तव चक्र। इसके बाद है IVF तकनीक, तो इसको हम बेटर इरेज कर रहे हैं। अब क्या है IVF, अब IVF की फुल फॉर्म क्या होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, समझ गए होंगे आप। इसको कहते हैं कृत्रिम शुक्र संसेचन। क्या होता है, कृत्रिम शुक्र संसेचन होता है। तो इसमें क्या होता है, परख नली शिशु भी कहते हैं इसको, कई नाम आते हैं, एक परख नली शिशु, IVF तकनीक, कृत्रिम शुक्र संसेचन। तो आपको उन तीनों का आंसर हम आपको एक में ही बताते हैं। तो आई से इन, बी से विट्रो, एफ से फर्टिलाइजेशन। तो कृत्रिम शुक्र संसेचन क्या होता है, इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल। अब मेल से क्या लिया जाता है, स्पर्म यानी शुक्राणु लिया जाता है, और मेल से क्या लिया जाता है, अंडाणु जो इसमें बनते हैं चक्र में। तो वो अंडाणु लेते हैं और दोनों का एक परख नली में निषेचन कराया जाता है। यानी क्या होता है, फीमेल के अंडाणु और मेल के शुक्राणुओं को आपस में मिलाया जाता है और क्या बनाते हैं, युग्मनस। और उस युग्मनस बनने के बाद क्या होता है, उसको रोपित कर दिया जाता है गर्भाशय में, अंडाशय में, जिससे नए शिशु का निर्माण होता है, वो कहलाता है परख नली शिशु। तो कंफर्म हो गया होगा। तो ऐसा या ऐसे कह सकते हैं कि IVF तकनीक ऐसी होती है जिसमें महिलाओं के अंडाणुओं को और पुरुषों के शुक्राणुओं को लिया जाता है और परख नली में उनको निषेचन करा के युग्मनस का निर्माण कराया जाता है, तो वो कहलाता है कृत्रिम शुक्र संसेचन। क्लियर हो गया। सरोगेट मदर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, यानी टिप्पणी में आता है, तीन नंबर में, एक नंबर में भी आता है। तो ऐसे एक नंबर में आता है कि सरोगेट मदर क्या है, तो क्या लिखेंगे कि वह परिचारक माँ जिसके वास्तविक गर्भ में बच्चे का निर्माण होता है या शिशु का निर्माण होता है, वो परिचारक माँ कहलाती है। और दूसरा नाम हम इसको बता सकते हैं सरोगेट मदर को, कौन सा, किराए की कोख। क्या होता है, किराए की कोख। अब किराए की कोख कैसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, इच्छुक स्त्री और इच्छुक पुरुष अपने शुक्राणु और अंडाणुओं का डोनेट करके उनका युग्मनज बना लेते हैं, 32 सेल्स में बना लेते हैं, बना के, और कोई भी इच्छुक स्त्री होती है उसके गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है, तो वो स्त्री कौन सी हो जाती है, परिचारक माँ, जिसको हम सरोगेट मदर कहते हैं। कन्फर्म हो गया होगा। अब चलते हैं डाउन सिंड्रोम। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखेंगे, क्योंकि आगे जो आपके क्वेश्चन हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपके अगर आपने इतना कर डाला तो आपके कम से कम 20-25 नंबर पक्के हो जाएंगे। हम 100% नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपके 20-25 नंबर आपके इसी में, इतने ही क्वेश्चन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखते हैं बेटा डाउन सिंड्रोम। पहली बात तो देखेंगे कि सिंड्रोम होता क्या है। तो सिंड्रोम एक ऐसा होता है अब जो गुणसूत्रों के कारण होता है, यानी गुणसूत्रों में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, गुणसूत्रों में या तो बढ़ोतरी हो जाए या कमी हो जाए। अब कोई भी चीज अगर हम लोग खा रहे हैं तो उस खाने में क्या होगा, अगर ज्यादा खा लिया तब भी दिक्कत, कम खाया तब भी प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही क्या होता है डाउन सिंड्रोम में, अगर कोई भी, अब हमारा जो है मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। अब अगर 46 में अगर 47 हो जाए तब भी सिंड्रोम होंगे, अगर 46 से 45 हो जाए तो उसमें भी,
तो ये वही है सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, जो 46 गुणसूत्र होते हैं ह्यूमन बॉडी में, 46 गुणसूत्र होते हैं। अब 46 में क्या होता है, एक बढ़ जाता है। जब कभी भी मनुष्य के गुणसूत्र में 46 में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो संख्या हो जाती है 47। अब 47 संख्या हो गई, उसको हो जाता है डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम समझ गए होंगे क्या, अब इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचाने कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो डाउन सिंड्रोम में जो बच्चे ग्रसित होते हैं, उनकी आंखें तिरछी होती हैं, ओठ लटका होता है, मुंह खुला हुआ होता है, मुंह से लार निकलती रहती है, माथा चौड़ा हो जाता है, आंखें तिरछी रहती हैं, तो ये उनके लक्षण होते हैं किसके, डाउन सिंड्रोम के। तो ये डाउन सिंड्रोम आपका कंफर्म हो गया, ये गुणसूत्री विकार होता है, गुणसूत्रों के कारण होता है, जिसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय 47 हो जाती है। एक और भी नाम बदल के आता है ये कि 21वीं जोड़ी, यानी 21वीं जोड़ी में ये बढ़ता है। 23 जोड़ी होते हैं मनुष्य में, 23 बोले तो 23 दूनी 46 गुणसूत्र, तो उसमें 21वीं जो जोड़ी होती है उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, जिसके कारण ये डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो टर्नर सिंड्रोम, अब टर्नर सिंड्रोम क्या है कि बता सके हैं डाउन सिंड्रोम हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि 46 में एक बढ़ा, 47 हो गए। अब इसमें क्या होगा, मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं, 46, ये तो कंफर्म होता ही है, आपको पता है। अब अगर 46 में एक माइनस हो जाता है तो कितना हुआ, 45। अगर 46 की जगह पे गुणसूत्र एक कम हो जाए, 45 हो जाए, तो वो कहलाता है टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ऐसे इस रोग, जब ये रोग होता है तो इस रोग में जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, जननांगों का अल्प विकसित होना, उसमें जो बनेंगे बच्चे बनेंगे या पुरुष बनेंगे जो भी होंगे वो क्या होगा, कैसे होंगे, उनके जननांगों का विकास कम होगा, इसीलिए वो बंध कहलाते हैं, स्टराइल कहलाते हैं, वो किसी शिशुओं को जन्म नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे क्या कहलाएगा, टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। क्लियर हो गया होगा, यानी टर्नर सिंड्रोम ऐसा सिंड्रोम जिसमें मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह पे 45 हो जाता है, यानी ये कम गुणसूत्र हो जाता है, तो इस अवस्था को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों में जो होते हैं जननांगों का अल्प विकसित होना होता है। दूसरी चीज, इसका जो रेशियो होता है बहुत ही कम होता है, 5000 में अगर हम एक देखेंगे तो ये टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होगा, यानी 5000 रेशियो एक होगा, यानी 5000 में एक होगा, तो कंफर्म हो गया होगा। अब अगला क्या है, वर्णांधता, क्या है वर्णांधता, इस पे भी कई क्वेश्चन बनते रहते हैं और इस बार आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्णांधता क्या है, वर्णांधता क्या है। तो वर्णांधता एक ऐसा रोग है जिसमें रोगी क्या होता है, रंगों का भेद नहीं कर पाता है, उसमें रंगों का भेद नहीं कर पाता है, तो जो वर्णांधता है वो एक एक्स सहलग्न रोग होता है। कौन सा होता है, एक्स सहलग्न रोग होता है, और इसमें रोगी जो होता है वो क्या करता है, रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। तो इसीलिए एक और क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ, रेलवे ड्राइवर या बसों के ड्राइवर या सिग्नल में जो होता है, होते हैं, उन पुरुषों का यूज क्यों नहीं किया जाता है जो वर्णांधता से ग्रसित है। तो इसका मेन कारण यही है, क्योंकि वो क्या है, लाल और हरे रंग में कोई भेद नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनको इस उसमें रेलवे ड्राइवर में नियुक्ति नहीं मिलती है। तो वर्णांधता समझ गए होंगे कि ऐसा रोग जिसमें रंगों का भेद नहीं कर पाते हैं, तो जिसको वर्णांधता कहते हैं, एक एक्स सहलग्न रोग होता है। क्लियर। ऐसे ही एक हीमोफीलिया भी आता है, सेम टू सेम है, थोड़ा सा चेंज है। अब हीमोफीलिया, हीम जानते हैं कि रक्त से ही ब्लड बना होता है, हीम, ठीक है। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है ब्लीडर रोग, याद रखेंगे, क्योंकि इसके नाम से भी आता है ब्लीडर रोग। अब ब्लीडर में समझ गए होंगे बहना, यानी रक्त का बहना, तो हीमोफीलिया भी एक एक्स सहलग्न रोग है, एक एक्स सहलग्न रोग है, इसको हम ब्लीडर के नाम से भी जानते हैं। और ब्लीडर के नाम से क्यों जानते हैं, तो ये भी बताते हैं, ब्लीडर के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि जब हीमोफीलिया होती है, तो हीमोफीलिया में किसी भी व्यक्ति को चोट लगती है
तो चोट लगने के बाद रुधिर का थक्का नहीं जमता है और रुधिर कंटिन्यू निरंतर बहता रहता है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो रुधिर का निरंतर बहना, लगातार बहना ब्लीडर कहलाता है, इसीलिए हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। आप चलते हैं व्यसन। एक हमने आपको वीडियो दिया था, उस वीडियो में हमने औषधि व्यसन बताया था। तो व्यसन क्या होता है? एक नशीली दवाएं जो होती हैं, जो नशीली औषधियां होती हैं, जो नशीले पदार्थ होते हैं, तो उन नशीले पदार्थों का एक समूह होता है, उन समूह को हम क्या कहते हैं? व्यसन कहते हैं। अब उन समूहों में क्या होता है, या नशे की लत लगना, वो कहलाता है व्यसन। यानी व्यसन को हम व्यक्त करेंगे किसमें? एडिक्ट। यानी ऐसे व्यक्ति जो नशीली औषधियां लेते हैं या नशीले पदार्थ लेते हैं, उनमें एक आदत बन जाती है, उस आदत को हम एडिक्ट कहते हैं या व्यसन कहते हैं। तो कंफर्म हो गया होगा, यानी नशीली दवाओं का एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह जो व्यक्ति उसे कंटिन्यू लगातार लेते रहते हैं और उनकी एक आदत बन जाती है, जिसको हम व्यसन कहते हैं। हो सकता है आपको औषधि व्यसन से भी मिल जाए। क्लियर हो गया। अब अगला है रोगजनक। क्या है? रोगजनक। अब रोग और जनक, यानी रोग को फैलाने वाले कारक, रोग को फैलाने वाले कारक ही रोगजनक कहलाते हैं। यानी ऐसे अब वो कौन कौन से कारक होते हैं जो रोग फैलाते हैं? तो बहुत से होते हैं। जीवाणु होता है, जीवाणु हो गया, और कौन सा हो गया? कवक हो गया, जीवाणु, कवक और विषाणु हो गया। ये कारक होते हैं किसके? रोग के। बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो जीवाणु से होते हैं, जैसे टीवी। कवक से क्या होता है? जो दाद हो जाता है, रिंगवर्म होता है, वो कवक से हो जाता है। फंगस जिसको बोलते हैं, विषाणु से तो जानते हैं, अभी कोरोना वायरस चल रहा था, कोरोना वायरस बोले तो विषाणु, तो वो विषाणु से। तो ये कारक होते हैं जो रोग फैलाते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, बाहित मल। क्या होता है? बाहित मल। अब बाहित मल का मतलब क्या होगा कि शहर या नगरों में जो अपशिष्ट जल होता है, उस अपशिष्ट जल को ही हम बाहित मल कहते हैं। समझ गए होंगे? बाहित मल यानी ऐसा जो महानगरों से जो प्रदूषित जल होता है वो निकलता है, उस प्रदूषित जल को हम बाहित मल कहते हैं। क्लियर हो गया। अब है बायोगैस। तो बायोगैस क्या होता है? तो बायोगैस जो होता है वो एक गैसों का मिश्रण होता है जिसमें सबसे ज्यादा मैथेन गैस पाई जाती है, जिसको हम बायोगैस कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि बायोगैस क्या है। तो बायोगैस एक सभी गैसों का मिश्रण होता है जिसमें सबसे ज्यादा मैथेन पाई जाती है, जिसका यूज किसमें होता है? बायोगैस का खाना बनाने में, प्रकाश उत्पन्न करने में, ये हो जाता है बायोगैस। क्लियर हो गया। इसके बाद है जैव उर्वरक को कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। क्या होता है? बायो फर्टिलाइजर एक ऐसे ही आपका आता है रासायनिक खाद, इसके अपोजिट। तो रासायनिक खाद क्या होता है? खेतों में डालने से खेतों को हानि पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? क्योंकि जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं फसलों के लिए लाभदायक, वो उस रासायनिक खाद से नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा इस टाइम बायोटेक्नोलॉजी जोर दे रही है किस पे? जैव उर्वरक में। तो जैव उर्वरक में क्या होता है? ऐसे जीवाणुओं को ग्रो कराया जाता है, ऐसे जीवाणुओं को उसमें बनाया जाता है, ग्रो कराते हैं, जिससे क्या करते हैं? मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो वो कहलाता है जैव उर्वरक, जिसको हम बायो खाद भी कह सकते हैं, जिसको बायो खाद यानी सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा जो खाद बनाई जाती है वो जैव उर्वरक कहलाती है। रासायनिक खाद में क्या होता है? जो रसायनों के द्वारा खाद बनाई जाती है वो रासायनिक खाद कहलाती है। एक इसका डिफरेंस भी आता रहता है कि जैव उर्वरक तथा रासायनिक खाद में तुलना कीजिए। तो रासायनिक खाद समझ गया, रसायनों से बनी होती है, वो मिट्टी के लिए उस समय के लिए है, जब डालते हैं तब तो ठीक होती है, फसल अच्छी हो जाती है, लेकिन उसके लाभदायक जीवाणु जो होते हैं वो उनको मार देता है, जिससे अगली फसल में हानि होती रहती है। तो ये आपका जैव उर्वरक हो गया। जैविक खाद,
अब जैविक खाद भी ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है आपका, इसीलिए हमने ले लिया है कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो जैविक खाद भी क्या होगी, जो जीवाणुओं से बनाई जाती है, जो सूक्ष्म जीवाणुओं का यूज किया जाता है वो जैविक खाद कहलाती है। क्लियर हो गया। इसके बाद प्रतिबंधन, उस दिन ही हमने बताया था प्रतिबंधन एंजाइम, जिसको प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। तो प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है, इसको हम इंडो न्यूक्लियस एंजाइम भी कहते हैं, प्लस क्या दूसरा बताया था आणविक कैची। तो ये क्या करता है, डीएनए खंडों को काटता है, छोटे छोटे खंडों को काटता है, जिसको प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। ऐसे ही लाइगेज था, वो उन कटे हुए डीएनए खंडों को जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज एंजाइम करता है। तो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं स्पर्धा। स्पर्धा बोले तो कंपटीशन, अब कंपटीशन से आप समझ गए होंगे कैसा कंपटीशन। तो कंपटीशन जो होता है वो तीन टाइप का होता है। तो पहले तो हम बता दें स्पर्धा यानी कंपटीशन होता क्या है। रहने के लिए, खाने के लिए, पोषण के लिए, सबके लिए क्या होता है, एक कंपटीशन होता है, एक लड़ाई करनी पड़ती है। यानी खाने के लिए लड़ना पड़ता है कि ये मेरा फूड है। तो इसके लिए उनमें किसमें होता है, जीव जातियों के बीच में एक कंपटीशन होता है। जैसे ह्यूमन में कंपटीशन है, ऐसे ही जीव जातियों में एक कंपटीशन होता है। तो वो तीन टाइप का कंपटीशन होता है। एक होता है अंतः, कौन सा होता है यहां बता दे रहे हैं, अंतः, और एक होता है अंतरा, और दूसरा होता है वातावरणीय। क्या होता है, वातावरणीय। अब ये तीन, अंतः जातीय स्पर्धा, अंतरा जातीय स्पर्धा और वातावरणीय स्पर्धा। अब देखते हैं अंतः जातीय, ऐसी स्पर्धा या ऐसा कंपटीशन जो एक ही जातियों के बीच में रहने के लिए, खाने के लिए जो स्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, उसको अंतः जाति कहते हैं। अंतरा जाति में क्या होता है, दो अलग अलग जातियों के बीच रहने और खाने के लिए जो स्पर्धा होती है उसको अंतरा जाति स्पर्धा कहते हैं। अब ये तो हो गया जातियों, अब वातावरणीय में क्या होते हैं, ये अंतः अंतरा दोनों मारे जाते हैं। कैसे, वातावरणीय में क्या होता है, सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए तो क्या होगा, उससे अंतरा वाले और अंतः वाले दोनों ही प्रभावित हो जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सहभोजिता, क्या होता है सहभोजिता। तो सहभोजिता क्या होता है, तो सहभोजिता देख लेंगे कि एक ऐसा पारस्परिक जीवन, या ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें दो जातियां एक साथ रहती हैं, जिसमें दो जातियां एक साथ रहती हैं, लेकिन एक जाति को तो लाभ होता है, दूसरी जाति को ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो ऐसा जो संबंध होगा वो सहभोजिता कहलाता है। तो किसमें होता है, जैसे आम की शाखा पे, आम की शाखा पर एक आर्किड का पौधा उगता है, किसका, आर्किड का। तो आम की शाखा पे आर्किड उग रहा है, अब क्या हुआ, आर्किड को तो इससे भोजन मिल रहा है, भोजन मिलने के लिए ही तो ये आम की शाखा पे है, तो वहां से इसको भोजन मिल रहा है। लेकिन इसके बदले आम को यहाँ पे ना तो उससे हानि है ना ही उससे कोई लाभ है। तो ऐसा संबंध सहभोजिता कहलाता है। क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अगला क्या है बच्चों, अगला है परजीविता। पर मींस क्या होता है, दूसरों के ऊपर, और जीविता मींस जीवन बिताने वाले या जीवन व्यतीत करने वाले। तो परजीविता एक ऐसी क्रिया है जिसमें क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करता है, यानी परजीवी होता है, वो अपना पोषण एक दूसरे से लेता है। तो हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि एक ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति दूसरे जाति के साथ अपनी एक पारस्परिक क्रिया करता है, जिसमें दूसरी एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को उससे हमेशा हानि होती है। जैसे हम लोगों में अमीबा, कौन सा होता है, अमीबा हिस्टोलिटिका, और एक होता है अमीबा जिंजिवेलिस। तो अमीबा जिंजिवेलिस से पायरिया होता है, और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से क्या होता है, पेचिस अमत्सा, जो आपकी एक अच्छा 12 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो कैसे परजीवी है, तो परजीवी का मतलब क्या है, वो हमारे पेट आंत में होता है, आंत को खाता है, जो भी पोषण होता है आंत में जाता है उस पोषण को खाता है। तो क्या हुआ, उसको तो भोजन मिल रहा है लेकिन हम लोग को हानि हो रही है। तो ऐसा जीवन परजीविता कहलाता है। यानी दो जातियां होती हैं, एक जाति को तो लाभ हो रहा है,
दूसरी जाति को उससे नुकसान हो रहा है तो वो कहलाता है परजीविता। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सर्वस्थाने संरक्षण। तो सर्वस्थाने संरक्षण, संरक्षण मीन्स क्या होता है? सुरक्षा देना। अब सुरक्षा किसको देना? तो ऐसे अब सर्वस्थाने संरक्षण हम इसमें आवास यानी पेड़ पौधे जीव जातियां उनको क्या करते हैं? सर्वस्थाने मतलब क्या होता है कि जो पादप जातियां हैं, जो जंतु हैं, उनको उनके ही आवास स्थान में, उनके ही आवास स्थान में सुरक्षित करना। क्या होता है? सुरक्षित करना, यानी सभी जीव जातियों को या पेड़ पौधों को उनके ही आवास स्थान में सुरक्षित करना सर्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। क्लियर हो गया होगा। अब है बहिस्थानीय, बहि का मतलब है बाहर। तो ऐसी जीव जातियों को उनके आवास स्थान से हटाकर, उनके आवास स्थान से हटाकर उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है तो वो कहलाता है बहिस्थानीय संरक्षण। समझ गए होंगे। इसको कहते हैं एक्सीटू, इसको कहते हैं इनसीटू। तो इनसीटू उनके प्राकृतिक आवास में ही रहने दिया जाता है, कोई इंटरफेयर नहीं किया जाता है, तो वो कहलाता है सर्वस्थाने संरक्षण। जैसे बहुत बहुत सी ऐसी बनी है सेंचुरी पार्क बने हैं तो वो हो जाएंगे बहिस्थाने संरक्षण में। क्या होता है? बॉटनिकल गार्डन बने हैं, चिड़ियाघर बना है, ठीक है। तो ऐसे वो बहिस्थाने यानी उनको प्राकृतिक वास स्थान से अपना हटा लिया जाता है और दूसरी जगह पे उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है तो बहिस्थाने संरक्षण हो गया। फिर है आपका रेड डाटा बुक, लाल आंकड़ा किताब या लाल आंकड़ा पुस्तक जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है? संकट ग्रस्त जातियों की एक सूची बनाई जाती है और उस सूची को इसमें उल्लेखित किया जाता है जिसको रेड डाटा बुक कहते हैं। एक और क्वेश्चन आपका आता है संकट ग्रस्त जातियां किसे कहते हैं? तो संकट ग्रस्त जातियां ऐसी जातियां जो क्या हो रही है? विलुप्त हो रही है, गायब हो रही है, तो उनको हम क्या कहेंगे? संकट ग्रस्त जातियां कहते हैं। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन आपके उठा के लाए थे जो आपको हमने क्लियर कर दिया। अब आप इस वीडियो को आप पूरा देख के आराम से पेपर में इसको हल कर सकेंगे। फिर अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए नए हैं तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे हमारी आप नई वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। इसलिए आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करना मत भूलिएगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।